देख पहला क्वेश्चन, देख पहले क्वेश्चन में क्या है, इसमें डायमीटर दे रखा है, मान लो ऐसा कुछ है, और इसका डायमीटर का लेंथ दे रखा है ये 1000, और इतना हाइट पर ये दे रखा है। देखो 1500 पे ये पहला हाइट है, 1200 पे दूसरा हाइट है, ठीक है। तो यहाँ थीटा है, अब पहले यह देखो यहाँ पे अटैक करना, तो यहाँ पे थीटा यहाँ पे है, तो यहाँ पे एक ऐसा लाइन बनाओगे तो यहाँ भी एक थीटा आएगा, ठीक है। यहाँ पे थीटा है तो यहाँ पे भी एक थीटा आएगा, उस पर अटैक करो। वैसे तो इसको एच मान के भी कर सकता है, इसको एच मान के दो ट्रेंगल बना लो, फिर कर लो एच अपन 500 और वो अपन वो, बट हम यहाँ पे एक थीटा बनाएंगे, यहाँ पे एक थीटा बनाएंगे, तो ये कहो 1200 - 500 अपन ये, तो साइन थीटा की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब इसके बाद हम करते क्या, इसके बाद देखो एच बार की वैल्यू दे, एच बार की वैल्यू हो गई वही 0.5, ये हो गया 0.5, ये हो गया, ठीक है। और यहाँ पे जो एंगल होगा इसका, मतलब यहाँ सी जी यहाँ पे होगा, यहाँ सी जी पे हाइट होगा, उसका हाइट निकाल लो, ठीक है। ये वही रहा, ठीक है, 0.5, 0.7/2 ये करते हैं, ठीक है। अब एफ इक्वल टू रो जी एच बार, अब देखो एच बार का तो नोट प्रेशर के लिए एच बार यूज़ करते हैं, और एच सी क्या, सेंटर ऑफ प्रेशर का काम क्या करते हैं, मोमेंट निकालने के लिए, मोमेंट निकालने के लिए तेरे को एम फोर्स इंटू आर चाहिए होगा ना, तो फोर्स टू एच बार से निकालेगा, एच बार की वैल्यू इसमें डाल कर, और आर के लिए तो ये एस सी भी यूज़ करते हैं। ये देखो एच प्लस आई जी सी जी प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा सी जी क्या होता है, जैसे हम रट चुके कि तीन होता है, एक टॉर्जन में पोलर होता है, बाकी में वो होता है, तो ये तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी का बोर्ड, मतलब आई एक्स वाला होगा, ठीक है। एक्स वाला होता है साइन स्क्वायर थीटा, कॉलर में होता है मिनिमम वाला, टॉर्जन में होता है पोलर वाला, और इसमें होता है सी जी वाला, ठीक है। तो आई जी साइन स्क्वायर थीटा अपॉन ए एच बार, ये वैल्यू डाले हो तो लोकेशन वो आ जाएगा, ठीक है। अब ये क्वेश्चन देखो, अब अगला क्वेश्चन कौन सा है तुमको, ये देखो ये वाला क्वेश्चन है, इसमें कुछ खास नहीं, गिवन ये है, लॉन्ग ये है, ये सब चीज़ें हैं, तो इसमें तो इतना ही है कि ये हो गया एफ जी रो बार हो गया, रो जी भी ये हो गया, इसको डाल दो, रो जी V2 माइनस रो जी V1 ये हो गया। V2 कैसे निकालें देख लो, V2 पूरा में से ये कर तो ये हो जाएगा, ठीक है। टेन थीटा इक्वल टू एफ आई अपॉन एफ एक्स निकालेंगे, हॉरिजॉन्टल एक्सिस के लिए एस सी पी इक्वल टू एच बार प्लस आई सी जी अपॉन ए एच बार, ठीक है। वर्टिकल के लिए क्या था, फोर आर अपॉन थ्री पाई करेंगे, ठीक है। वर्टिकल एक्सिस के लिए सब क्वेश्चन मेरे को अच्छे से याद है, इसको छोड़ दो, अभी कुछ नहीं इंपॉर्टेंट है। ये साई है, वही साई इक्वल टू एक्स क्यू माइनस एच। अच्छा दो चीज़ होती है, साई पे हम बेस लेते हैं, अगर साई एग्जिस्ट कर रहा था फ्लो एग्जिस्ट कर रहा, और साई लेप्लेस को सेटिस्फाई कर रहा था फ्लो डी टोटल। फिर से बोल रहा हूँ, साई एग्जिस्ट कर रहा मतलब क्या है कि फ्लो एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, और साई लैपलेस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब क्या, फ्लो इरोटेशनल है, ठीक है। तो ये हो गया, अब इस क्वेश्चन में क्या साई है, साई का स्क्वायर कर दिया, मतलब इसका क्या, फ्लो इरोटेशनल। फ्लो इरोटेशनल क्या है कि पोटेंशियल एग्जिस्ट कर, पोटेंशियल वाला उल्टा होता है, तो पोटेंशियल एग्जिस्ट कर, तो देखो फाई एग्जिस्ट कर, समझ में आएगा, फ्लो इरोटेशनल फाई एग्जिस्ट कर, तो ये आ गया, ठीक है। अब कॉची रूमान ने कहा दिया, अच्छा कॉची रूमान के लिए कहा था Vx इक्वल टू d5/dx, और Vy इक्वल टू -d5/dy। फिर से बोलो, Vx इक्वल टू -d5/dx और Vy इक्वल टू -d5/dy, ठीक है। और इसको ये कर देंगे, ये अब y वाले में RHS होता है तो ये डाल दिया, ठीक है। यहाँ से फाई की वैल्यू आ गई, ठीक है, फाई की वैल्यू आ गई, हो गया लैप्लेस इक्वेशन यूज करके। अब इसमें कुछ खास है नहीं, अब ये देखो ये कुछ है बेंचुरीमीटर की तरह कुछ है, इसमें तीन चीज़ें हम करते हैं, देख फ्लो इधर से इधर जा रहा है, जहाँ फ्लो जा रहा है उसमें बढ़ना, तो यहाँ इस पॉइंट से इस लाइन के लिए तो बढ़ने नहीं लगाएगा, बट मैनोमीटर के लिए मैनोमीटर की क्वेश्चन, तो मैनोमीटर क्वेश्चन कैसा होता है ये देखो, पहले सभी बार कंटिन्यू क्वेश्चन, क्योंकि स्टेप चेंज हो रहा है, तो स्टेप चेंज है, तो A1 V1 इक्वल टू A2 V2 कर लो, या फिर क्यू की वैल्यू वहाँ से दे लो, ठीक है। तो यहाँ से V1 और V2 आ गया। बर्नौली क्वेश्चन के लिए क्या है, तो इसको इस पॉइंट को और इस पॉइंट को करेंगे, ठीक है, मतलब एलोग फ्लो देखेंगे, तो ये हो गया, ठीक है। अब देख P1 और P2 जो होता है ना, वो आर्बिट्रेली बताओ तो निकाल नहीं सकता, जो हाइट चेंज है वो जेड को चेंज करते, तो यहाँ से डाल के वैल्यू आ गई, P1 - P2 का वैल्यू यहाँ से आ गया। अब देखो दूसरा क्या है, मैनोमीटर के मैनोमीटर क्या करते हैं, एक ऐसा लाइन पकड़ जिसके नीचे सेम हो, तो ये वाला लाइन पकड़, या फिर डायग्राम में देख ले, डायग्राम में दिया हुआ होगा, हाँ इसको एच पकड़, तो यहाँ क्या करो, रोजी P1 प्लस रोजी एच, P1 प्लस रोजी एच, और दूसरा का P2 प्लस रोजी 1 प्लस वाई, P2 प्लस रोजी 1 प्लस वाई, ये हो गया, ठीक है। फिर से सुन, P1 प्लस रोजी एच, अब P2 प्लस रोजी इंटू 1 प्लस वाई, और ये भी तो होगा रोजी एक्स, ये हो गया। इसको सॉल्व करेगा P1 प्लस P2, मतलब तीन इक्वेशन है तेरे पास, एक तो मैनोमीटर की क्वेश्चन जो अभी तूने नीचे लगाया है, बर्नौली क्वेश्चन जो इस पॉइंट में ये लगाएगा, दूसरा है एरिया वॉल्यूम की क्वेश्चन, और डायग्राम तो इसका वो तो पता ही तुम्हें, एरिया वॉल्यूम कुछ समझ रहेगा तो यहाँ से करेंगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। मतलब यही आंसर तो यही आ गया, ठीक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन का है वो वाला रिजर्व वाला, इसको मैंने किया नहीं तो छोड़ दो, बट ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको साइफन पे प्रेशर ऊपर कुछ रखते हैं, ठीक है, इसको पेन से कर लेना, पेन से करने के लिए तुमको देखना पड़ेगा, तो देख लो गिवन क्या क्या देख लो, ठीक है, गिवन क्या क्या देख लो, अभी देखो ये हो गया तुमको, इस ये कौन सा मेथड, इसको बोलते हैं बकिंगम पाइप मेथड। देखो बकिंगम पाइप मेथड में देखो कितने फैक्ट, क्वेश्चन में देखा कि ये जो है ना क्यू फंक्शन है किस चीज़ का, क्यू फंक्शन है HD μ का, तो ये 5 ये होगा और ये होगा 6,
इसको भी लेंगे तो छः फंक्शन का टोटल। अब बेसिक क्या होता है, बेसिक होता है अलग अलग टाइप से, एक होता है शेप, तीन तरह का पैरामीटर्स होते हैं ठीक है। एक शेप पैरामीटर्स मतलब हम बेसिक मतलब ये होता है, एक फंडामेंटल में बेसिक मतलब ये होता है कि नॉन रिपीटिंग ठीक है। तो एक होता है साइज, शेप साइज वाला, दूसरा होता है फ्लो पैरामीटर ठीक है, फ्लो पैरामीटर, और तीसरा होता है फ्लो पैरामीटर जैसे एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, ये सब ठीक है, प्रेशर ठीक है। और तीसरा क्या होता है, प्रॉपर्टी, जैसे रो हो गया, डेंसिटी हो गया, ये सब ठीक है। तो पहले देखो, अब इसमें देखो रो और डेंसिटी तो सेम पैरामीटर टाइप का हुआ ठीक है, एच और डी में से एक ही हो गया, तो इसमें से एक पकड़ो, इसमें से एक पकड़ो, और एक ही हो गया, तो मतलब तीन बेसिक होंगे ठीक है। अच्छा तीन, क्यू और जी में से एक हो पकड़ेंगे, तो क्यू डी म्यू, ये तीन हो गए ठीक है रिपीटिंग। तो बचा क्या थ्री। अब ये देखो पाई वन क्या निकालेंगे, पाई वन क्या निकालेंगे, जो तूने बेसिक माना है, जो तूने नॉन फंडामेंटल उसको तू यहाँ मानेगा और फंडामेंटल में एक एक करके डालेगा ठीक है। इक्वेशन पहले कहते हैं नंबर ऑफ पाई टर्म बनेंगे तीन, तीन पाई वन, पाई टू, पाई थ्री। अब इसमें देखो एच वन जी और ये जो नॉन फंडामेंटल इसको यहाँ डाला और एक फंडामेंटल को एक करा ठीक है। पाई टू में यहाँ क्यू नहीं होगा, यहाँ डी होगा, छोटा डी होगा, तो यहाँ छोटा डी होगा म्यू। फिर से बोला हूँ, नॉन फंडामेंटल को यहाँ डाल, नॉन फंडामेंटल को यहाँ डाल ठीक है, नॉन फंडामेंटल को यहाँ डाल और बाकी जो फंडामेंटल उसको यहाँ डालेगा ठीक है। तो ये हो गया। अब इसको सॉल्व करके वो निकाल ले तीनों, पाई वन, पाई टू, पाई टू के लिए एच वैल्यू निकाल ले। अब ये एफ क्या था, पाई वन, पाई टू, पाई थ्री होता है ठीक है, पाई वन, पाई टू, पाई थ्री होता है। तो इसको डाल दे पाई वन, पाई टू, और फिर पाई वन इक्वल टू फंक्शन ऑफ पाई टू, ये चीज बोलते हैं, ये इक्वल टू जीरो, तो पाई वन इक्वल टू एफ फंक्शन ऑफ पाई टू, पाई थ्री होता है, यहाँ डाल दिया आंसर ठीक है। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या रखा है, ये तो करना नहीं है शायद, स्टेशन पैरामीटर नहीं, नहीं ये नहीं करना है ठीक है। अब आगे देखो अगला क्वेश्चन ये है, इस क्वेश्चन को मैंने क्यों डाला, सिर्फ सी एफ लेमिनार के लिए सी एफ की वैल्यू सीधे याद हो, 1.32 अपॉन रूट अंडर एक्स होता है ठीक है। लेमिनार के लिए सी एफ इक्वल टू 1.32 अपॉन रूट अंडर एक्स होता है ठीक है। आर की वैल्यू ये होती है, आर की वैल्यू ये होती है, आर की वैल्यू ये होती है, सी एफ एक्स की वैल्यू ये होती है। इसको डाल दें आंसर, सी एफ हाफ रो ए वी स्क्वायर इंटू ए, रो ए वी स्क्वायर इंटू ए करता है ठीक है। लेमिनार में टर्बुलेंट में क्या होता है, टर्बुलेंट में क्या होता है, 0.073 इंटू आर के पावर 1.5, 0.073 अपॉन आर के पावर 1.5, इसको सी एफ डालो, हाफ रो ए वी स्क्वायर इंटू ए होता है ठीक है। अब हो गया ठीक है, मैंने उसी वैल्यू डाल। अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन में क्या होता है कि पहले याद रख कि रूट ने टाउ अपन म्यू, इसको भी स्टार भी बोलते हैं, भी स्टार का होता है सिर्फ वेलोसिटी, भी स्टार या सिर्फ वेलोसिटी बोलते हैं, सिर्फ वेलोसिटी रूट ने टी अपन म्यू, एल अपॉन डी यू बाई डी का, और एल क्या होता है, के वाई होता है, एल इक्वल टू के वाई होता है ठीक है, एल इज टू क्यू है। तो देखो वी एस एल इज टू क्यू है, तो पहले इक्वेशन देख लो, ये हो गया इसके वी स्टार बराबर क्या हो गया, ये 0.4 एल अपॉन डी यू डी वाई, 0.4 डाल दिया। अब यहाँ से वेलोसिटी आ गया, यहाँ से वेलोसिटी आ गया, यहाँ से वेलोसिटी आ गया, इसको डायग्राम वो कर दिया, अब जो वैल्यू लू सब सेटिस्फाई करेगा ना, तो ये सिर्फ वेलोसिटी ये आ गया, सिर्फ वेलोसिटी ये आ गया, ये चीज़ ठीक है, वी स्टार की वैल्यू आ जाएगी ठीक है। इससे वैल्यू आगे बी स्टार आ गया। अब इक्वेशन डाल ले तो इक्वेशन यहाँ आ जाएगा ठीक है। अब इसमें वैल्यू जो पूछ रहा है एट पे, इक्वेशन आएगा इसमें वैल्यू एट पूछे तो ये करना ठीक है। बट मेन क्या है, मेन यही है कि बी स्टार टू एल डी यू बाई, एल डी यू बाई डी वाई, और एल की वैल्यू की वाई डाल के आंसर ले आएंगे ठीक है। ये डाल दिया, यू की वैल्यू आ गई। अच्छा ये देखो, ये इंपॉर्टेंट है, डेल्टा इक्वल टू क्या होता है, देखो वो पता है तेरे को, नॉट स्मॉल फॉर्मूला, रो भी डी, भी डी बाई रो, भी डी बाई रो, उसमें क्या, रो के जब 11.6 डालना है, रो के जब 11.6, तो जो डी की वैल्यू होगी ना वो तुम्हारा होगा डेल्टा स्टार, न्यूक्लियर रिजल्ट में यही होता है। ये क्या होता है, लेमिनार सब लेयर थिकनेस को बोलते हैं, लेमिनार सब लेयर थिकनेस बोलते हैं ठीक है। तो ये आ गया ठीक है, आर की जब 11.6 डाल लिया और बाकी डी की वैल्यू दिखा लिया। अभी क्वेश्चन देखो, अब इसमें कुछ समय ये देखो, वी टू वी वाई ये हो गया, वी टू वी वाई यहाँ से ये तो कंटिन्यू क्वेश्चन, वी वन वी वाई वाई वन इक्वल टू वी टू, वी वन माइनस वी रो इक्वल टू वाई वन इक्वल टू वी टू माइनस ए टू हो गया ठीक है। अब ये इसको डाल दो, दूसरा ये क्वेश्चन मोमेंट क्वेश्चन पता नहीं कहाँ से है बट ऐसा आता है, हाफ वी ये कुछ करके ठीक है। अभी क्वेश्चन देखो, अब कौन सा क्वेश्चन देखेंगे, ये पे देखो, ये इंपॉर्टेंट क्योंकि इसमें लगभग फ्लूड के ओ सी एफ के सारे फॉर्मूले आते हैं, एक मतलब वाई वन वाई इक्वल टू टू, ये चीज़ और यहाँ पे जो होगा यहाँ पे होगा ठीक है, एफ टू में जो होगा वाई टू में होगा, इसको डाल दिया ठीक है। या यहाँ से वैल्यू गया, दूसरा एनर्जी लॉस फॉर्मूला था वाई टू माइनस वाई वन गया, ये चीज़ होता है ठीक है, ये आ गया। जैसे कहिए टू क्यू स्क्वायर बाई जी इक्वल टू वाई वन प्लस वाई टू, वाई वन वाई टू, फिर बोल रहा टू क्यू स्क्वायर बाई जी इक्वल टू वाई वन प्लस वाई टू और वाई वन वाई टू, टू क्यू स्क्वायर प्लस जी टू स्क्वायर बाई जी वाई वन वाई टू प्लस वाई वन प्लस वाई टू,